अच्छी लोकेशन थी यहाँ पीछे कैंप करने के लिए, बिकॉज व्हाई नॉट। यहाँ से नीचे जाके कोई पता है झरना उड्यारी में कह रहे थे, यहाँ नीचे जाओ तो वाटरफॉल आता है एक। आगे कहाँ से ऊपर को जाने के नीचे को? यहाँ आगे नहीं है कहीं, प्लेन प्लेन ऐसे सड़क के आसपास, मतलब टेंट है मेरे पास, कोई ऐसी खाली सी जगह ढूंढ रहा था। आधे रास्ते जाएगी भाई, कोई लोकल मिले मुझे। नीचे क्या बोलते हैं वहाँ पे जब फॉल गिरता है वहाँ पे जब? और टाइम भी अभी कुछ 3:30 हुआ। थल क्रॉस कर रहा हूँ, थल से मुंशियारी की तरफ जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा बाइक चलाने के बाद और ऑलमोस्ट अंधेरा होने से पहले, काफी बड़ा ग्राउंड है, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इससे पहले कि बारिश आ जाए मैं सूखी घास के ऊपर अपना घर जमा लेता हूँ। What's up guys, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में? तो तेजम गांव में कैंपिंग चल रहा है। सो एज यू गाइज नो, कल शाम को मैं यहाँ पहुँचा था कुछ 5 बजे के आसपास, एंड मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था, तो कुछ लोकल लोगों ने मुझे सजेस्ट किया वो मेन हाईवे से कि आप नीचे गांव में जाके एक कैंप लगा सकते हो इफ़ यू हैव। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। कल रात को काफ़ी बारिश हुई, लगभग पूरी रात ही, तो मेरा टेंट इस टाइम पूरा गीला पड़ा है। सो द प्लान राइट नाउ इज़, अभी धूप का वेट किया जा रहा है, धूप ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गई है सामने वाले पहाड़ पे, फिर थोड़ा टेंट ड्राई होगा और उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन मुंशियारी की तरफ निकलूँगा। आज के प्लान के बारे में आई हैव नो आइडिया क्या होने वाला है। मुंशियारी सर्टनली जा रहा हूँ, बट वहाँ कैंप करने वाला हूँ या फिर किसी गेस्ट हाउस में रुकूँगा, आई एम नॉट श्योर। सो प्लान अभी कुछ ऐसा बना कि टेंट को तो सूखने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो मेरे को कुछ आइडिया दिया लोकल लोगों ने कि यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाना खा सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो टेंट सूखेगा तब तक आई क्विकली गो हैव सम फूड, रिटर्न पैक इट एंड लीव। कल वाले चेहरे। तो तेजम से अभी रवाना हुआ जा रहा है, कैंपिंग हो गई, खाना हो गया, किसी का बाथरूम साफ सुथरा वो भी यूज़ कर लिया है, सो टोटली इक्विप्ड फॉर द डे टुडे। गाँव के सब लोग मेरे को बाय बाय बोलने के लिए एकदम रेडी हैं, इन्होंने मेरी वीडियो भी देखी है पिछली, तो हाई फाइव। और बाकी के लोग जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था दैट यू कैन कैंप देयर, सो सर्टनली हैड अ ग्रेट डे, कल मज़ा आया भी, आई होप कि आज भी मुंशियारी में मज़ा आएगा। ठीक है, फिर जाने का टाइम हो गया, आप लोगों के गांव में काफ़ी मज़ा आया। That was I always talk about guys, if you just keep making friends on the road, the journey is never a hard one, you always find people to help you out, you always find people to give you free suggestions. All right, theek hai ji, maza aaya fir milke. All right, badhiya, dekhte hain aage kahan leke jaati hai journey. All right, good stuff. और मैं आ गया हूँ वापस मेन रोड पे, तो कल यहाँ से मैं नीचे गया था और नीचे उधर पे जहाँ पे नदी है कुछ उसके पास मैंने टेंट लगाया था, ओवर देयर एग्जैक्टली एकदम नीचे। सो गुड डे, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड मुंशियारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, Munsiyari 24.
चाहिए ना कि बाय बाय। ऑलराइट, सो मुनस्यारी पहुंच गए। दिस जस्ट द बिगनिंग। पहला ढाबा जो मुझे मिला खाने के लिए, वहाँ पे मैं रुक गया और अपनी सारी चीज़ें चार्जिंग पे लगा दी हैं। यहाँ पे कुछ ड्रोन चार्ज हो रहा है, अंदर बाकी चीज़ चार्ज हो रही हैं, थैंक्स टू दिस हेल्पफुल मैन। इनका होम स्टे भी, अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ रुक सकते हो। यूट्यूब चल रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी गोप्रो से सारा डेटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया जाएगा, बैटरीज चार्ज की जाएंगी, थोड़ा सा खाना खाया जाएगा, उसके बाद आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस, इन अ होम स्टे और कैंपिंग टुनाइट। देखते हैं मूड के हिसाब से। सो द प्लान इज, आई हैव डिसाइडेड टू स्टे एट मयंक होम स्टे। आज कैंपिंग का प्लान नहीं है, मयंक होम स्टे। हाँ, ये नंबर चलता है, अगर भूल गया तो मैं फ़ोन कर लूँगा, क्योंकि गाइस मैं हर टाइम भूल जाता हूँ मैं एग्जैक्टली कहाँ रुका हूँ और क्या। तो मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। नहीं ठीक है, आप भी आ गए। ऑलराइट गाइस, सभी हुआ कुछ ऐसा कि मुनस्यारी में तो कुछ खास है नहीं घूमने के लिए, मुझे कुछ खास पर्सनली पसंद नहीं है, बट ये काफ़ी सही सी जगह मिली है जहाँ पे मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ कैंपिंग करूँगा आज रात को, बट देन गेस्ट हाउस का लालच, शावर का लालच और मैं गेस्ट हाउस में रुक गया। सो आज का स्टे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इट्स अ बोरिंग प्लेस, बट व्हाट आई वाज थिंकिंग इज मे बी पार्क माय जावा हियर, फ्लाई द ड्रोन, कुछ और कुछ नहीं तो कुछ इंटरेस्टिंग फुटेज ही निकालते हैं। बट आई थिंक टू डू दैट, वो उस पार एक लोकल घर है, आई थिंक द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू देम, सो आई वुड मे बी वॉन्ट टू जावा। तो मेरी यहाँ से आ जाएगी नीचे आराम से, मैंने रास्ता देख लिया है, बट उनसे एक बार परमिशन ले लेता हूँ, परमिशन पूछना चाहिए। दे ऑन दिस प्लेस, जावा लुक्स गुड। ये नीचे भी आपका ही है क्या? हाँ। नीचे जो घर सब बना आपका है? हाँ, पंचायत का घर। वहाँ थोड़ा सा बाइक नीचे ले जा सकता हूँ, है ना? वहाँ कुछ पिक्चर्स खींचनी है, मुझे लगा किसी का घर है, पूछ लेता हूँ यहाँ पे, ले जा सकते हैं। ठीक है, बाइक ले जाके नीचे अच्छी फोटो आएगी ना, ले जा सकते हैं। गाय भी आपकी है? गाय भी आपकी है? Alright, good to go. This would have been an amazing location for camping, huh? Mazza aa jata, mazza. But never mind. Motorbike ko to mazza aayega. Ab motorbike bhi kya mast lag rahi hai. Alright, yahan se nikalenge, wahan lagayenge, drone udayenge, videos banayenge, time pass karenge aur kya. Things you do for blogging. So far so good. ज़्यादा कुछ adventure करने का मन नहीं है, ज़्यादा दूर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आई मीन ये तो बच्चों वाली चढ़ाई है, इसको भी अगर जावा ने चढ़ने से मना कर दिया तो मैं अपनी जावा आई स्वेयर गाइस OLX पे बेच दूँगा। राइट,
What's up guys? So my journey at Munsiyari has come to an end. Today I am heading back to New Delhi. I'm not sure kitne din mein pahunchunga. I'm not sure aaj kahan tak pahunchunga. Bike ready ho gayi hai. Bike pe sara saman lag chuka hai. Ek shirt bahar reh gayi thi. Abhi isko andar dalna hai. Gloves pehne hain aur yahan se nikalna hai. ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके. नेक्स्ट टाइम कभी आए तो मिलेंगे फिर. ऑल राइट, ठीक है जी. खाना अच्छा था, थैंक यू वेरी मच. ठीक है,